Hello and welcome back to my channel Shinebright, and today I will be giving the review of Acnesol NC gel. But before that, please like, share and subscribe my channel and let's get started. इसमें दो चीज़ें हैं, एक है क्लिंडामाइसिन एंड दूसरा है निकोटिनामाइड। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारता है और रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को और रेडनेस को ऑफ एक्ने, और ये अनब्लॉक करता है पोर्स को एंड क्लींस द डर्ट, डेब्रीज एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्ने। ये एक्नेसॉल एनसी जेल 20 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट है और ये मुझे 88 या 90 रुपीज़ में मिला था। इसमें क्लिंडामाइसिन 1% है एंड निकोटिनामाइड इसमें 4% है। बात करते हैं निकोटिनामाइड की। निकोटिनामाइड को हम लोग नियासिनामाइड भी कहते हैं और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। ये एक विटामिन बी थ्री का फॉर्म है और इसमें इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रेडनेस को कम करती हैं, और ये एक्सेसिव सेबम को भी कंट्रोल करता है हमारे फेस पे। ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है जिससे हमारी स्किन पे मॉइस्चर रिटेन रहता है, और ये एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करता है। ये पोर्स को मिनिमाइज़ करता है जिससे बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और क्लॉग पोर्स को भी क्लीन करता है। ये फेड करता है पैचेस को और डार्क स्पॉट्स को, और वहाँ पे न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे कि वहाँ पे न्यू सेल्स बनने लगते हैं और स्किन जल्दी हील हो जाती है। सी दिस जेल हैज़ क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड। ये दो कॉम्बिनेशन एक साथ हैं इस जेल में। इसके साथ साथ आप सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का तरीका है, आप फेस वॉश करिए सैलिसिलिक एसिड के फेस वॉश से, उसके बाद आप इसको नियासिनामाइड और क्लिंडामाइसिन के जेल को लगाइए फेस पे ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात के टाइम आप एडापलिन जेल को यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप जब भी कोई क्रीम या जेल यूज़ कर रहे हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए, तो आप सनलाइट में ना जाएँ या सनस्क्रीन वेयर करें जब भी जाएँ। सेबोजेल इज़ अनदर ट्यूब विच इज़ वेरी गुड, एंड उसमें भी नियासिनामाइड होता है और सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि एक्ने को ट्रीट करता है। सैलिसिलिक एसिड एक बहुत अच्छा केमिकल एक्सफोलिएटर है जो कि डिजॉल्व करता है डेड स्किन सेल्स को और सेबम को कंट्रोल करता है फ्रॉम क्लॉगिंग द पोर्स, और उसको पोर्स को क्लीन भी करता है। यू कैन स्टार्ट 2% ऑफ यू कैन यूज़ 2% ऑफ कंसनट्रेटेड सैलिसिलिक एसिड जो कि क्लियर करता है डर्ट, डेब्रीज और सेबम को, और ऑयल को कंट्रोल करता है। सो इट वर्क्स लाइक दिस। देयर आर प्रोडक्ट्स जैसे कि सीरम, जेल्स, फेस वॉशेस जिसमें नियासिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड होते हैं, जैसे कि मिनिमलिस्ट का एक 10% नियासिनामाइड एंड जिंक का सोल्यूशन सीरम देते हैं, जिसमें एक्ने को ट्रीट करने के लिए होता है और स्किन के ब्लेमिशेस को फेड करने के लिए, जिसकी कॉस्ट 595 रुपीज़ है फॉर 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट। आई यूज़ एक्नेसॉल एनसी जेल जिसमें 4% नियासिनामाइड है, एंड ये काफ़ी इफेक्टिव है फॉर द पीपल हु आर बिगिनिंग टू यूज़ क्लिंडामाइसिन एंड नियासिनामाइड। तो ये सबसे कम लेवल पे है इसमें आप। सो एक्नेसॉल एनसी जेल हैज़ क्लिंडामाइसिन दैट हेल्प्स किल बैक्टीरिया एंड ऑल्सो लाइक नियासिनामाइड विच इम्प्रूव द स्किन इम्यूनिटी बाय बिल्डिंग द केराटिन एंड हेल्प्स कीप द स्किन फर्म एंड हेल्दी। सो इट हेल्प्स मेंटेन स्किन बैरियर, और ये हेल्प करता है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द स्किन। आई हैव यूज दिस स्पेशली फॉर द नियासिनामाइड। इट हैज़ 4% ऑफ नियासिनामाइड which is good and has helped me a lot in maintaining the health of my skin. It has reduced the size of the pores and helps maintain a skin barrier. I also use natural remedies like I apply tomato on face, and I also use basin, curd and honey, lemon and turmeric face pack which is mixed together. It also helped me a lot in clearing and fading of these scars. So give it a try and share your experiences, and do write in the comment section below. And if you find this video useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thanks for watching.